डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरी नजदीक आ गई मेरी हौसला देखकर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइन्थ क्लास मैथ के कैसे बिना बुक से रेखाएं एवं कोण लेसन आठ है, ओकर हमने के एक से लेकर आठ तक एग्जाम्पल बना चुका रही जा, और आज हमने के एग्जाम्पल नंबर नौ पढ़ा जी, ठीक ना। देखो हम पढ़ा तो सुनिए बढ़िया से कि एग्जाम्पल नंबर नौ क्या कहा था। तो देखो लिखल बा कि दिए गए चित्र में रेखाएं, दिए गए चित्र में देखो चित्र देखे बाबू का कहते चित्र में दिए गए चित्र में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो बिंदु ओ पर छूट गया है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कहता है कि दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो बाबू देखो एक्स वाई में एगो रेखा बा, एगो एम एन भी एगो रेखा बा, दोनों बिंदु ओ पर क्या करता है काटता है ना। तो कहला फिर ओकरा बाद यदि पी ओ वाई बराबर नब्बे डिग्री, देखो पी पी ओ वाई एजा पी बा, तो पी ओ वाई मतलब जो नब्बे डिग्री के सिंबल देले बनी ओकर हमनी के मान कितना देले बा नब्बे डिग्री, तो नब्बे डिग्री हे लिख दे ठीक ना। और कहता ए अनुपात बी, देखो हे ए कोण बनबे और हे कोण बनबे बी, तो कहता ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात कितना है तीन, मतलब दो अनुपात तीन में हमने कोण बा ए अनुपात बी ना। तो कहते कि सी के मान तू ज्ञात करो, सी के मान ज्ञात करो। तो देखो बबुआ जब भी ओइसन प्रश्न आई अनुपात होला, देखो कह दी कि त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दो अनुपात तीन अनुपात चार है। तो ऐसे अगर जब भी अनुपात वाला मत आए तो हमने के पहले का अनुपात के एक्स और दूसरे का अनुपात के वाई ऐसे तरह मान ली, मतलब मान लगा दो के अनुपात में मानू तो एक अगर दो एक्स और दूसरे का कितना मान ली तीन है ठीक ना। देखो ऐसे ही मान के हम बनाओ तो सबसे पहले हमने लिखा जाए का सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद का माना कि, माना कि कोण ए, कोण ए बराबर टू एक्स तथा कोण बी बराबर थ्री वाई है ना, थ्री एक्स दोनों के एक चर माने के बाद ठीक ना। कोनो के देखा एक्स चर मान लो तो एक्स रहा था, कहीं वाई चर मान लो तो वाई रहा था, कहीं जेड चर मान लो तो जेड हो गया, सब जतना भी अनुपात है ठीक ना। तो देखा ए अनुपात कितना बा, ए अनुपात बी, तो हम लिखा लेबनी ए और बी के मान कितना है ठीक ना। ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन बा, तो देखा हम मान लेबनी टू एक्स और तीन एक्स, जो अनुपात जो रही उतना का मान लेंगे टू एक्स थ्री एक्स जितना अनुपात में रहे उतना हमने मान लो ठीक ना एक्स के पद में। तो चलो हमने का मान हो गई, माना कि कोण ए के मान हमने क्या बोला हाथ लगा दिया टू एक्स और बी के थ्री एक्स। तो हमने के अब देखा जाए कि जो देखा एक सवाई बा वो एगो रेखा है, और ई रेखा के ऊपर हमने के ए बी और नब्बे डिग्री के कोण बनल, मतलब तीन गो कोण बनल बा। तो ई तीनों हमने के रैखिक युग्म बनैले बनु, तो हमने के लिखो ता कि अब रैखिक युग्म से, अब रैखिक युग्म से पहले चलो जाओ रैखिक युग्म से। देखो वो रैखिक युग्म से क्या होती ए प्लस में बी, यानी ए बा और बी और इसकी प्लस में कहते ना नब्बे डिग्री बराबर एक सौ अस्सी डिग्री कोई नहीं, मतलब एक दो तीन को कोण बराबर तीनों को हम जोड़ के एक सौ अस्सी डिग्री कहीं कहते ना रैखिक युग्म से। तो अब आओ देखो ए के मान हमने के देले बा टू एक्स, तो टू एक्स लिख देनी, बी के मान देले बा थ्री वाई थ्री एक्स, तो थ्री एक्स लिख देनी, प्लस में नब्बे बा तो नब्बे लिख देनी, बराबर में एक सौ अस्सी तो बराबर में एक सौ अस्सी छोड़ देनी ठीक ना। चलो आप आओ देखो दो गो एक्स और तीन गो एक्स मिल के हो गई पांच गो एक्स, और देखो नब्बे होने जाके घट गए एक सौ अस्सी में, तो यो हो गई कहते ना नब्बे ना। तो देखो अठारह पांच हमने के कितना वाला नब्बे, मतलब पांच से नब्बे कट गए अठारह बार में, इसीलिए हमने के एक्स के मान आ गए अठारह डिग्री। तो अब बताओ बबुआ तो हमने के जब एक्स के मान के अठारह आ गए, तो वैसे टू एक्स के निकाले के रही अठारह दूनी छत्तीस ना कदम जा, और वैसे ही थ्री हमने के एक्स के निकाले के रही अठारह तीन चौवन ना कदम जा। तो चलो हमने के थ्री पहले बी के मान निकाल हो जाए पहले, इसलिए देखो लिखा था इसलिए बी बराबर थ्री एक्स, और जब थ्री के जगह पर थ्री एक्स के जगह पर अठारह कोई, तो इसीलिए हमने के बी के मान कितना बताओ अठारह छोटा थ्री अठारह तीन चौवन
चौवन डिग्री आ बनु और सही हमने के एक मान निकाले के रही ता 18 दूरी 36 कर देता 36 डिग्री मतलब भाई हमने के 36 डिग्री हो गला है चौवन डिग्री या है 90 डिग्री अब तुइनो को जोड़ लिया तो 180 आ रही थी ना तो पहले हमने खाली बी के मान काम बात बी के हमने के निकाल लिया ठीक ना तो मतलब बी के हमने के आ 54 डिग्री तो देखा यार हमने करी 54 डिग्री ठीक ना अब 54 डिग्री निकाल देने का लोग के लगा लेकिन अब ए में एन ए हो रेखा हो तो एक आप ए को ए को है दो गो साइड में दो को कोण मिल गए कोण बी ए को कोण सी तो ये दोनों आपस में रेखित युग्म बनाई तो हम लिखा था पूर्ण रेखित युग्म से ना हो देखा है तुम लिख लिया पूर्ण रेखित युग्म से पूर्ण रेखित युग्म से काली कोण बी अब प्लस में सी बराबर 180 डिग्री अब देखो बी के मान हमने के 54 आ गुण मतलब 54 ने बड़ी देनी है प्लस में सी बाद सी छोड़ देनी सी के मान लिख दे तो सी ऐसे ही छोड़ देनी अब बराबर में 180 बाद बराबर में 180 अब देखो हमने के सी के मान निकाले बट नो देखो सी के एनए छोड़ा देनी अगर 54 प्लस में है ने बात होने जाके हम काटना लिख देनी माइनस में 54 ठीक ना तो इसीलिए हमने के देखो सी के मान निकाल बोल है देखो 10 और 10 में 4 गुणा 6 हर बटल 7 7 में 5 गुणा 2 और हर बटल 1 तो 1 तो मतलब 126 डिग्री और मान के 126 डिग्री सी के मान आ गई और देखो तारा प्रश्न में छाप के तो ये न पूछा था हो कौन सी के मान नो तो मैंने कौन सी एक खाली मान पूछा था कौन सी के निकाल लिया ठीक ना तो मैंने आंसर इतना हो गई तो स्क्रीनशॉट कर लो और ये बढ़िया से उतार लिया कॉपी पर ठीक ना चला थैंक्स अब अगला वीडियो में मिला जी।